हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे। टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन है, हर कोई शायद इसके बारे में जानता ही होगा। बहुत ज़्यादा कॉमन है, बरसात के दिनों में ज़्यादातर ये होता है। इसके जो वजह हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ये आंतों में हो जाने वाला एक इन्फेक्शन है, बैटर इन्फेक्शन है, और ये समटाइम्स कभी कभार जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा इसके कॉम्प्लिकेशन कितने सीवियर हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो टाइफाइड फीवर है इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो सल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है, ये उसका काउज है। इसी वजह से इसका नाम टाइफाइड रखा गया है। इसका जो बैटल जो काउज बन रहा है सल्मोनेला टाइफी, इसलिए उसका नाम टाइफाइड फीवर रखा गया है। अब दोस्तों इसके अलावा इसका जो ट्रांसमिशन है वो फिकल ओलर रूट, यानी के गंदगी पैखाने वगैरह की वजह से ये ट्रांसमिशन हो सकता है, गंदगी की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। और जिन लोगों को ये हो चुका है ऑलरेडी, यानी के मुतासिर लोग जो अफेक्टेड है, जिसको टाइफाइड हो चुका है, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से भी ये जो है तो फैल सकता है, या फिर उन लोगों के जहर इस्तेमाल चीज़ों की वजह से भी ये फैल सकता है, क्योंकि ये एक फैलने वाला स्प्रेड होने वाले एक आम तौर की एक बैटल इन्फेक्शन है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये इन्फेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है इंटेस्टाइन्स को, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बन जाता है इसकी वजह से। इसलिए क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का जाए तो सबसे अहम अलामत टाइफाइड की फीवर है। फीवर वो ऐसा है जो स्टार्ट्स होता है लो और इंक्रीज डेली। फीवर जो है तो शुरुआत में ये कम होता है, फिर धीरे धीरे जो है तो तीसरे चौथे दिन से बढ़ना शुरू होता है, और कॉमनली शाम के वक्त में जो है ये तेज़ होता है, सुबह के वक्त में कम हो जाता है। तो फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 104 तक जो है तो इसका टेम्परेचर हो सकता है, जिसकी बात हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को, माइल्जिया हो सकता है यानी पूरा बॉडी के उसके हो सकता है, और साथ ही पेशेंट को जो है तो जनरल वीकनेस महसूस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, टाइफाइड के अंदर जो है तो स्वीटिंग आ सकती है, जनरल वीकनेस बहुत कॉमन है। और इसके साइन की अगर बात करें तो इसमें रोज स्पॉट्स या ऐसे निशान, गुलाब के जैसे निशान जो है तो कॉमनली चेस्ट। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 दिन से 14 दिन तक है। इसलिए साइन एंड सिम्टम्स भी जो है तो पहले शुरुआती 3 दिन के अंदर, और उसके फिर नेक्स्ट पहले वीक के अंदर, फिर उसके बाद सेकंड वीक के अंदर, इस तरह ये 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन तक की जो है तो इसके अलामतें नज़र आ सकती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें बुखार तेज़ रहता है, प्यास बहुत लगेगी, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होंगी, कब्ज रहेगा यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा। इसके बाद लेटर इलनेस की अगर हम बात करें तो लेटर इलनेस विदाउट ट्रीटमेंट, अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया जाए तो ऐसा महसूस होता है पेशेंट को, बिकम डिलीरियस, यानी अगर कुछ नहीं किया पेशेंट ने तो भी उसको थकान सी महसूस होती है, और उसका किसी काम में मन न लगना, बेचैनी रहना, इस तरह की जो है तो अलामतें उसके अंदर नज़र आती हैं। यानी कि टाइफाइड का अगर ट्रीटमेंट हो भी गया या फिर टाइफाइड का जो टाइम था वो अगर ख़त्म भी हो गया, तब भी इसकी अलामतें जो है तो काफ़ी दिनों तक मौजूद रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन तक इसकी अलामतें मौजूद होती है। इसके लिए इसका एंटीबायोटिक का जो कोर्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसका जो इलाज है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इसका इलाज हम नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मुझे एक शख्स मिले थे जो नाबीना थे, यानी कि आँखों से बिल्कुल माजूर थे, अंधे थे आम जुबान में। तो उनसे मैंने जब पूछा था कि आपकी आँखें कैसे चली गई, तो उन्होंने बताया कि मेरी आँखें सही सलामत थी, मैं एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन मुझे टाइफाइड हुआ था और मैंने इलाज में लापरवाही किया जिसकी वजह से मेरी दोनों आँखें चली गई। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अपनी बीमारी के ताल्लुक से हम फिक्रमंद रहें। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, इसकी वजह से हो सकता है मेनिंजाइटिस, इसकी वजह से हो सकता है मसल्स, जो मायोकार्डियम मसल्स ऑफ हार्ट, या हार्ट की जो मसल्स है मायोकार्डियम,
तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। इंडोकार्डियम जो मसल्स, इंडोकार्डियम के अंदर भी जो है तो इन्फेक्शन हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशंस में। और इसके कॉम्प्लिकेशंस में दोस्तों साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मेनिनजाइटिस भी हो सकता है। तो इस तरह इसके थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के ताल्लुक से। तो प्रिवेंशन क्या है कि हमको अपने आप को जो तो साफ़ सुथरा रखना है, जो जगह है हमारी, हम जहाँ भी उठते बैठते हैं उन तमाम मकामात को हमको साफ़ सुथरा रखना है, और हाथों को अपने हमेशा जो है तो साफ़ रखना है। खाना जो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कैसे फैल रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी, गंदा खाना। इस तरह से क्या होता है, जो कुक या बावर्ची जो लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं उनकी यानी कि प्रिवेंशन ना लेने की वजह से वो सारे जो है तो हमारे इस बीमारी के फैलने का ज़रिया बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जो भी खाना बना रहे हैं, जो कुक हैं या फिर जो बावर्ची है, उनसे हम कहें कि अपने हाथों को अच्छे से साफ़ रखें, अपने जो है तो घर के आसपास को माहौल को हम साफ़ रखें, ताकि इस तरह की कोई बीमारी हमको ना हो। तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे अहम चीज़ें यही थी। उसके अलावा जिन लोगों को ये अफेक्ट, जो लोग अफेक्ट हो गए उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें, उनसे दूर रहें, एहतियात बरतें। और साथ ही इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो ट्रीटमेंट है, डॉक्टर जो है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता है। आईवी ट्रीटमेंट इसमें जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स, यानी बुखार बहुत तेज़ है तो बुखार के हिसाब से इसकी दवाई दी जाती है। एंटीबायोटिक इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए इसका एंटीबायोटिक एटलीस्ट कम से कम 10-12 दिन लेना चाहिए। वैसा डॉक्टर्स जो है तो 14 दिन के लिए एडवाइस करते हैं। इसलिए दोस्तों इसका कोर्स जो एंटीबायोटिक का है वो कंप्लीट करना चाहिए। कॉमन चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है, वो है विडाल। विडाल दोस्तों इसका एक चीप यानी कि बहुत ही सस्ता टेस्ट है, जिसके अंदर हम लोग को आसानी से जो है तो टाइफाइड का पता चल जाता है। लेकिन इसमें हम कैसे पता करेंगे इसके ताल्लुक से मैं आपको फिर कभी क्लिप बनाकर बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी बहस है। और CBC अगर हम इसमें करें तो CBC के अंदर खास तौर से WBC जो काउंट है वो डिक्रीज़ मिलेगी इसके अंदर। और अगर हम यूनानी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी जो होमियात के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, हबे बुखार है या फिर इसके अलावा मेलोरिन नाम की जो सायरप, एक पेटेंट नुस्खा फार्मूला है, रेक्स कंपनी बनाती है, उसका इसमें बहुत अच्छा रोल है। रेक्स खमीरे का या किसी माजून का जो मुखवियात हो, ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस ताल्लुक से कुछ बातें और जानना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन आपके जहन में हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग चैनल को देखते हैं, क्लिप को देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।